जय भीम नव बुद्धाय साथियों, आप सभी का स्वागत है चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल पर, जिसके माध्यम से भारत में चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती के उत्सव पर आप सभी को चक्रवर्ती सम्राट अशोक के अभिलेखों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इस चैनल पर आप बने रहिए, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में सही जानकारी मिल सकती है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के गिरनार के 14 एडिक्ट के बारे में पहले हम जानकारी लेने की शुरुआत करते हैं। तो इसमें से पहला जो एडिक्ट है जिसमें हमें चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में जिसके बारे में जो जिम हिंसा के बारे में बातें की हुई है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिल सकती है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के लिए, अंत तक वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, गिरनार जो गुजरात राज्य में आता है, ये गिरनार प्रसिद्ध गिर का जो अभयारण्य है आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर गिरनार की पहाड़ी पर आपको चक्रवर्ती सम्राट अशोक के 14 अभिलेख मिलते हैं, जो एक शिलालेख की श्रृंखला है। जैसे ये आपको गिरनार में मिलते हैं, जैसे महाराष्ट्र में भी सोपारा में इसकी श्रृंखला है, लेकिन अभी तक उसके 2 ही अभिलेख मिले हैं, बाकी के 12 अभिलेख आज भी मिले नहीं है, तो उसका संशोधित करना जरूरी है। तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जो पहला एडिक्ट है, जो जूनागढ़ जिले में गिरनार में आपको स्थित मिलती है, ये लगभग ईसा पूर्व 772 से लेकर 732 के बीच में जिसे माना जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें हिंसा और जितने सारे उत्सव किए जाते थे तो उनमें उसके बारे में जानकारी दी हुई है। तो शिलालेख पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि आपको भी इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। तो शिलालेख आपके सामने शिलालेख है, शिलालेख में क्या लिखा है वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि इयं धम्मलिपि देवान प्रियेन प्रियदर्शिना राया लेखा पिता इधं न किंचि जीवं आरभितपा प्रजो हितव्य न च समाजो कर्तव्य बहुकं हि दोषं समाजम्मि पसति। देवानं प्रियो प्रियदशी राजा अस्तिपितु एकचा समाजा साधुमता देवानं प्रियस प्रियदशिनो रानो पुरा महानसम्मी देवानं प्रिय प्रिय प्रियदशिनो रानो अनुदिवसं बहुनी प्राणशत सहस्त्राणि आराभिषु सुपाथाय से अज यदा अयं धम्मलिपि लिखिता ती एवं प्राणा आरभरे सुपाथाय दो मोरा एको मघो सोपी मघोन ध्रुवो एते पितृ प्राणा पछान आरा भीसरे। ये जो अभिलेख है ये प्राकृत भाषा में है और जिसमें थोड़ा सा अशुद्ध भाषा का भी प्रयोग जानता है, जैसे कि अशुद्ध देवान पियन होना चाहिए तो यहाँ पे प्रियन आता है। तो ये सारी बातें आपको इसमें देखने के लिए मिलती है। तो इसमें लिखा क्या है, तो जैसे कि देवाओं ये धम्मलिपि लिखी हुई है, किसने लिखी हुई है, तो देवाओं का प्रिय प्रिय दृश्य राजा इनके द्वारा ये धम्मलिपि में लेख लिखा हुआ है, यानी कि आदेश लिखा हुआ है कि यहां कोई भी किसी भी जीव का बलि के लिए नहीं मारा जाएगा, यानी कि किसी भी प्रकार की बलि नहीं दी जाएगी। ये तो आप समझ सकते हैं कि बलि देने के जिक्र अनेक बार आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बलि देने का जो जिक्र आता है वो साफ साफ तर आपको ये पता चल सकता है कि उस समय में बलि की प्रथा जो थी वो भारत में चल रही थी, यानी कि इसके बारे में इसलिए जिक्र लिखा हुआ है। और ये भी कहा जाता है कि जितने सारे उत्सव होते हैं ये किए जाते हैं उसमें बहुत सारे दोष है, और ये दोष देवाओं का प्रिय प्रियदर्श राजा देखता है, और फिर भी निश्चित प्रकार के जो उत्सव होते हैं वो देवाओं के प्रिय प्रियदर्श राजा उचित मानता है। पहले भोजनालय में किसके, तो पहले चक्रवर्ती सम्राट अशोक के, जिसे देवाओं के प्रिय प्रियदर्श राजा के भोजनालय में प्रतिदिन सहस्त्रों प्राणियों की हत्या की जाती थी, उनके भोजन गृह में खाना बनाने के लिए। यहाँ पे सुपाताय का अर्थ सूप बनाने के लिए नहीं होता है, सुपाताय का अर्थ ये होता है कि उस समय में जैसे कि आज हम ये कहते हैं कि ग्रेवी बनाना है तो उस तरीके का मटेरियल होना चाहिए, तो उस समय में भी राइस खाने के लिए या राइस के साथ खाने के लिए जो हम सब्जी बनाते हैं या जो भी हम
दाल या सब्जी बनाते हैं उसी को सुपाताय कहा हुआ है। तो सुपाताय के लिए बहुत सारे सहस्त्र प्राणियों की बलि दी जाती थी, हत्या की जाती थी। अभी ये कहा जाता है कि पर आज से ये राजा खुद से शुरुआत करता है, इसलिए इसको महान कहा है। ये नहीं कहा है कि तुम बंद करो, लोगों को आदेश नहीं दिया है, पहले शुरुआत खुद ने की है, बाद में लोगों को बताया है। देखिए क्या 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 बताते हैं, पर आज से ये धम्म लिपि में लिखा हुआ आदेश जब से लिखवाया है तब से यहाँ पे तीन प्राणियों को मारा जाएगा खाना बनाने के लिए। एक साथ पूरा तो नहीं बंद कर सकते, लेकिन तीन प्राणियों को मारा जा सकता है, उसमें से दो मोर और एक मृग यानी कि हरण जिसे कहा जाता है उसको मारा जाएगा। लेकिन ये भी मारना निश्चित नहीं है, और पीछे ये तीनों प्राणी नहीं मारे जाएंगे, उसके बाद ये तीनों प्राणी भी नहीं मारे जाएंगे। अभी इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मृग का अर्थ केवल हरण ही नहीं है यहाँ पर, तो मृग का अर्थ दो तरीके से दिया जाता है, चार पहियों का प्राणी इसलिए भी कहा हुआ है, और दो मोर कहा हुआ है। तो उसमें आपको ये सारी बातें बताया जाते हैं। इसके मयूर का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ मोर मारा जाता था, नहीं, मयूर का अर्थ ये जो नाम है वो पक्षियों को रिप्रेजेंट करता है। आज भी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मयूर पक्षियों को, पक्षियों का समुदाय से ये कहा जाता है कि वो राजा है, तो इसलिए वो प्रेजेंटेशन के लिए इस तरीके का नामोल्लेख आ सकता है, ऐसा मेरा कहना है। शायद पक्षियों को मारा जाता था तो यहाँ पर दो मोर का जिक्र किया हुआ है, तो शायद दो पक्षी मारे जा सकते हैं, और हरण का जिक्र आता है तो चार पहियों वाले प्राणी को मारा जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि हरण से ही खाना बनाया जा सकता है ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो ये बात आप ध्यान से समझ सकते हैं। तो इसमें आपको एक बात गौर करने की जरूरत है कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक के अभिलेख में ये बताया है कि ये शुरुआत पहले मैं करूंगा, मैं जो आदेश लिख रहा हूं तो ये मेरे लिए नहीं होगा, ऐसा नहीं। ये होता है कि अगर कोई राजा अपना आदेश लिखे तो उसके लिए बाध्य नहीं होता है, वो प्रजा के लिए बाध्य होता है आदेश। लेकिन ये ऐसा पहला सम्राट होकर गया है जिसने ये कहा है कि आज से जब से मैंने ये धम्म लिपि में धम्म आदेश लागू किया है, ये शासन आदेश लागू किया है, तब से मेरे भी भोजन ग्रह में किसी भी प्राणियों की हत्या नहीं की जाएगी। शुरुआत में तीन प्राणियों की, दो पशु और एक प्राणी की हत्या जरूर की जाएगी, लेकिन ये भी मारना निश्चित नहीं है, और आने वाले समय में उन्हें भी नहीं मारा जाएगा। जीव हिंसा का शासन आदेश है। और ये भी कहा है कि लोग जो उत्सव मनाते हैं उसमें सारे बहुत सारे दोष उसे दिखते हैं, और किसी भी प्रकार की बलि देना उचित नहीं है, ये आदेश में लिखा हुआ है। ये आदेश पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक ऐसे महान राजा होकर गए हैं कि जिन्होंने अपने आदेश से या जिसने अपने राज्य व्यवस्था से एक दुनिया भर के लोगों के लिए एक संदेश भेजा हुआ है कि अगर आप राज्य चलाना चाहते हैं तो शुरुआत आपसे कीजिए, तभी प्रजा उसका अनुसरण करेगी, अनुकरण करेगी, नहीं तो वो राज आदेश कहीं पर भी सफल नहीं होता है। साथियों यही सम्राट अशोक के अभिलेखों की खूबियां है, और यही उस महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक के शासन व्यवस्था का इतिहास है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बता दीजिए, और आने वाले वीडियो में हम दूसरा एडिक्ट भी पढ़ेंगे ताकि आपको उसमें क्या लिखा है इसके बारे में भी जानकारी जरूर देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।